स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग एकर में। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं अनार की खेती के बारे में कि एक एकड़ में हम कितना अनार का पौधा लगा के कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो पिछले वीडियो में बताए थे IFS मॉडल, वही IFS मॉडल का आज हम जिक्र करेंगे। फिर केला के पौधे में कि यहाँ पे एक एकड़ में केला लगाया गया है और केला काफ़ी ये वैरायटी जो है उसके विषय में आपको बताएंगे और उसका प्रोडक्शन क्या है वो बताएंगे। उसके बाद हम उसका क्या मैनेजमेंट करते हैं, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, कि हम अच्छा करके और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो जानते हैं इस केला के बारे में, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इस केला को, देखिए कितना काफ़ी शानदार ग्रोथ हुआ है। ये जो केला है ये केला टिशू कल्चर से बनाया गया है। जो वैरायटी है ये G9 है, ये काफ़ी प्रचलित वैरायटी है जो कि हर जगह भी इसको लगाया जा रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और देखा जाए तो ये जो फसल है ये एक साल का फसल होता है, ऑलमोस्ट आपको 11 से 12 महीने में ये केला तैयार हो जाता है। अभी देखा जाए तो इसका ग्रोथ जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये अभी आपको 1.5 महीना का प्लांट है जो कि अच्छा ग्रोथ है इसके हिसाब से देखा जाए तो, वैरायटी के हिसाब से। और इसका देखा जाए हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो जैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है उसका कम से कम हम जब प्लांटिंग करते हैं तो इसका डिस्टेंस बताते हैं आपको। जो बेड से बेड का दूरी है हमारा 7 फीट रहता है और पौधा से पौधा का दूरी 5 फीट रहता है, क्योंकि वो 5 फीट रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रोथ के लिए काफ़ी सफिशियंट है। 5 फीट अगर रखते हैं हम लोग तो, और 7 फीट बेड इसलिए क्योंकि निराई गुड़ाई में काफ़ी आसान होता है। फर्टिलाइज़र के बारे में हम लोग जानते हैं, तो फर्टिलाइज़र में जो प्लांटिंग के समय हम लोग ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना बाद इसमें इनऑर्गेनिक में जाते हैं। जैसे ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बेसल डोज तैयार करते हैं। बेसल डोज में जैसे आपका SSP है, MOP है, DAP है और कुछ हमारा जिंक वगैरह जो है वो सब हम लोग मिला के एक बेसल डोज तैयार करते हैं और जितना भी है वो पौधे के साइज़ के अनुसार हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको करके हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जो ये हमारा फार्मिंग है केला का वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है और फिर लाभ कितना मिल सकता है। तो अगर हम लागत का बात करें तो हमारा जो एक एकड़ में है ऑलमोस्ट 1200 पौधा लगता है केला का, क्योंकि जो हम डिस्टेंस लगा रहे हैं आप थोड़ा बढ़ा घटा भी सकते हैं डिस्टेंस बेड का और पौधे से पौधे की दूरी का। तो अगर हम 7x5 लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 1200 पौधा आपका आएगा। और ऑलमोस्ट अगर पौधा का देखें टिशू कल्चर वाला तो थोड़ा सा महंगा मिलता है टिशू कल्चर, बाकी अगर आप जनरली लेते हैं तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। ऑलमोस्ट देखें तो हमारा जो टिशू कल्चर वाला पौधा है ऑलमोस्ट 30 रुपये प्रति पौधा आता है। देखा जाए तो पौधा अगर 1200 तो बढ़ती हैं 36, नहीं लगभग ज़्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट करना है कि कैसे हमारा जो ये है पौधा है वो ग्रो करे जिससे हम लोग अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और करने के बाद आप इसमें जो इंटरक्रॉपिंग होता है वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है काफ़ी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी जो ये है अभी कैबेज का सीज़न है, विंटर सीज़न, इसमें हम लोग कैबेज किए हैं और ये कैबेज भी काफ़ी शानदार हुआ है, ये देख सकते हैं। ये सब पौधा है देखिए, इसका ये शेप होता है टिशू कल्चर में, आप लोग इसको और समय समय पे इसका जो निराई गुड़ाई है वो ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपका पौधा में ग्रोथ आएगा। ये तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इसका बात करें हम इरिगेशन सिस्टम का, तो इरिगेशन तो अभी इसमें नहीं किया गया है, लेकिन अभी इरिगेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें भी इरिगेशन किया जाएगा। ऐसे जो बेड है आप लोग देख सकते हैं, बेड सब तैयार है और
इरिगेशन के माध्यम से काफ़ी आसान हो जाता है पौधा को ग्रो करना, क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा, और ये आगे अभी और भी बन रहा है। जो IFS मॉडल के बारे में आपको बता चुके हैं, तो अभी ये बन रहा है। जैसे जैसे बनता है हम आपको एक नए वीडियो पे हमेशा एक चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।